हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है, बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ में ऑलरेडी आ चुका है कि इंडिया से दुबई अगर आपको आना है तो विदाउट वैक्सीनेशन भी आप लोग आ सकते हैं। तो दुबई वीज़ा होल्डर्स जो लोग हैं, दुबई के रेसिडेंट जो लोग हैं, वो लोग सिर्फ JDRFA का अप्रूवल और नेगेटिव RT-PCR टेस्ट, जो कि 48 आवर्स के विदिन करना है, वो लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये दो डॉक्यूमेंट्स और एयरपोर्ट में जो RT-PCR टेस्ट किया जाएगा वो भी नेगेटिव होना चाहिए, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तो था बहुत बड़ा गुड न्यूज़, जो कि जो लोग रेजिडेंशियल वीज़ा होल्डर्स हैं दुबई के, वो लोग बस अपना JDRFA अप्रूवल ले ले और एक कोविड टेस्ट करवा ले 48 आवर्स ICMR अप्रूव लैब से, जिनका QR कोड वैलिड होना चाहिए, और एयरपोर्ट में रैपिड PCR टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नेगेटिव आना चाहिए, और आप दुबई इजीली फ्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक के बाद एक डेवलपमेंट आ रहा है। इससे पहले UAE वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ओपन किए थे, अब वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं देखा जा रहा है। GCAA की तरफ से एयरलाइंस वालों को ये आदेश हो गया है कि वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं देखा जा रहा है। तो आप कहाँ होम कंट्री में वैक्सीनेटेड हैं या UAE वैक्सीनेटेड हैं, UAE में एक वैक्सीनेटेड हैं, अदर अभी तक लिए नहीं है सेकेंड डोज, तो ऑल कैन ट्रैवल नाउ। तो ये तो था अपडेट, बट ये सिर्फ दुबई एयरपोर्ट के लिए है जो लोगों के पास JDRFA अप्रूवल है। अभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं आया है जो लोग IC अप्रूवल लेके, यानी कि अबू धाबी, शारजा और असल खैमा, ये सब एमिरेट्स के लिए अभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं आया है। तो देखिए, डेवलपमेंट वन बाई वन होता है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था। अभी UAE वैक्सीनेटेड लोग आ रहे हैं, इसके बाद ऑब्वियसली रेजिडेंशियल वीज़ा होल्डर्स के लिए भी ओपन होगा। वो लोग यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो लोग क्यों नहीं आ पाएंगे। तो ये ओपन हो गया। इसके बाद जो लोग वेट कर रहे हैं, विजिट वीज़ा होल्डर्स या टूरिस्ट वीज़ा, जिनको डायरेक्ट आना है, वर्क वीज़ा, एक्सपायर्ड वीज़ा, न्यू वीज़ा, हर चीज़, देखिए हर चीज़ ये लोग ओपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा समय दीजिए आप लोग, सबके लिए ये ज़रूर ओपन होगा। तो ये था आज के लिए छोटा सा अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने एक्सपीरियंसेस या क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।